आपका मेरे चैनल पे स्वागत है एरोमा NB133 बॉल। इसका आज मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ। ये एक एयरबड है और 700 रुपये का ये आता है, आपको पता ही होगा। तो भाई साहब, इसका स्पेसिफिकेशन कुछ दिखाया गया है, आप फ्लिपकार्ट पे जब आप जाओगे तो ये इसमें इम्प्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा है ये एयरफोन, मतलब इम्प्रेसिव है या फिर ख़रीदने लायक है, क्या कुछ आपको इस वीडियो में पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। तो भाई, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये एयरफोन नेकबैंड, ये आपको जो एयरबड है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग विद द बिल्ड क्वालिटी, तो भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मैं अच्छा बोलूँगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी टच यहाँ पर कंट्रोल है। अभी आप बहुत सारे लोग को पता नहीं कि भाई टच कैसे कंट्रोल करना है, तो भाई वन प्रेस क्लिक करके आपको जो है कॉल उठाने के लिए और म्यूज़िक प्ले करने के लिए होता है। डबल बार हो गया तुम्हारा वॉल्यूम को कम करना, 3 बार होगा वॉल्यूम को कर दो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। दो इतना डिफ़िकल्ट नहीं, फिर भी ठीक है, मतलब जिसको जम गया वो कर सकता है। तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी सही दिखने में अच्छा है उसका। यहाँ पर बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी के मामले में ये मैं बोलूँगा एवरेज ही है, एवरेज ही का मैं इसको रिमार्क दूंगा। क्योंकि अभी के जितने भी जो मैं एयरबड जो मैं देखा हूँ, 700 का जो मैंने रिव्यू किया हूँ, जी तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा भाई, उस सभी के सभी एयरबड मुझे इससे ज़्यादा अच्छे लगे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो साउंड क्वालिटी के मामले में मैं इसको इतना ही रिमार्क दूंगा। कॉल क्वालिटी इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें आपको। सामने वाला का जब आपको कॉल आएगा फन पिक में आप इसे बात कर सकते हो, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसमें बटन नहीं, तो भाई बटन क्या 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 होता है कि बहुत सारे एयरबड में सिर्फ एक ही बटन होता है पिकअप करने के लिए, पिक करने के लिए। यहाँ पर कॉल क्वालिटी अच्छा बोलेगा। अगर आप मुझे पूछोगे रिमार्क कॉल क्वालिटी के हिसाब से, तो मैं अबाव एवरेज बोलूँगा। कमिंग टू द बैटरी पॉइंट, तो बैटरी के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आपको जो है इसमें दिखाया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको 1.5 घंटे लगेंगे एक सिंगल एयरबड को चार्ज करने के लिए। चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए आपको 3 घंटे लगेंगे, और उसके बाद जब आप इसे यूज़ करोगे आपका सिर्फ 4 घंटे आपका चलेगा एयरबड, और आपको 4 बार आपको चार्ज करना पड़ेगा चार्जिंग केस से। तो भाई साहब, यह सबसे बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी जो ऐसे एयरबड जो ऐसा देते हैं ना, तो उसमें आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, बार बार आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो इस एयरबड को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो आप कोई और एयरबड आप देख सकते हो। ये वाला आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे ये ऐसी कर करके, क्योंकि एक तो क्या होगा कि आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जब आप कुछ देखते होंगे तो अचानक आपका एयरबड का चार्जिंग ढूस हो जाएगा, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो वही हिसाब से मैंने बहुत सारे एयरबड के मैंने और रिव्यू, आप वो जाके देख सकते हो।